हाल ही में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने ये बयान दिया था कि जो भी भारतीय खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगा। और अब इससे जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल 19 सितंबर से भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है, जिससे पहले टीम इंडिया के नामी खिलाड़ी जैसे विराट कोहली और रोहित शर्मा दिलीप ट्रॉफी खेलते नजर आ सकते हैं। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट एंड मोर पर। रिपोर्ट्स के अनुसार दिलीप ट्रॉफी का आगामी सीजन एक नए फॉर्मेट में खेला जाएगा, और क्योंकि अब टीम इंडिया को लगातार टेस्ट क्रिकेट खेलना है, इसलिए बीसीसीआई चाहती है कि टीम इंडिया के सारे खिलाड़ी दिलीप ट्रॉफी खेलने के लिए उपलब्ध रहें। रिपोर्ट्स के अनुसार विराट कोहली और रोहित शर्मा के अलावा इस टूर्नामेंट में शुभमन गिल, केएल राहुल, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव और कुलदीप यादव को भी खेलने के लिए कहा गया है। ये भी जान लीजिए कि जहां एक तरफ बीसीसीआई भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों को दिलीप ट्रॉफी खेलता देखना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम मिल सकता है। बात करें अगर विराट और रोहित की, तो फिलहाल ये साफ नहीं हुआ है कि दोनों दिग्गज बल्लेबाज 5 सितंबर से दिलीप ट्रॉफी के पहले मैच में खेलेंगे या फिर 12 सितंबर से शुरू होने वाले दूसरे राउंड में। हालांकि ईशान किशन से जुड़ी एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। ईशान किशन का दिलीप ट्रॉफी में सिलेक्शन हो सकता है। वो फिलहाल बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हैं, लेकिन अगर वो घरेलू टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उनकी टीम इंडिया में वापसी हो सकती है। वहीं टेस्ट क्रिकेट के अनुभवी खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा की दिलीप ट्रॉफी के लिए सिलेक्शन होने की संभावनाएं बेहद कम है। खबरों के अनुसार दिलीप ट्रॉफी के लिए मुख्य चयनकर्ता अजीत गर्ग की अगुवाई वाली चयन पैनल 4 टीम इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी और इंडिया डी का चयन करेंगी, जो कि टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। टूर्नामेंट के मुकाबले आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में खेले जाएंगे, और क्योंकि अब बड़े खिलाड़ी भी टूर्नामेंट में खेल सकते हैं, इसलिए बीसीसीआई बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में भी टूर्नामेंट का एक राउंड रखने की योजना बना रही है। ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहें क्रिकेट एंड मोर के साथ। धन्यवाद।